कॉल आ रही है पर स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्मार्टफोन के अंदर, जैसे रियलमी है ठीक है, या फिर आपका रेडमी का K20 है ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन है उसमें आपको कॉल जब आती है तो स्क्रीन पे 1 से 1.5 मिनट में शो होती, कभी 5 मिनट में शो होती, कभी कभी स्क्रीन ऑफ ही हो जाती है तब तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब इस कंडीशन में आप इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो ठीक है, रियलमी का हो, रेडमी का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन हो, पोको वगैरह ठीक है, इन्फिनिक्स वगैरह, कोई भी हो, XYZ, 100% इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप कोई अदर वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में सारी सामग्री डाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो यदि आपकी हेल्प हो तो वीडियो में कमेंट करनी है, नाइस लिखना है ठीक है, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में ये देखना है कि आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज कितना है, यानी कि रैम रोम कितनी है, जैसे कि 3 है और 3 32 है या फिर 4 64 है, इस तरीके से ज़्यादातर होती हैं जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं 10,000 11,000 तक के में ठीक है, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती ही मिलती है ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे उसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा मैं आपको ठीक है। यहाँ पर आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, ये लिखा है होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करेंगे ठीक है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करवाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्क्रीन मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड मोड आप यूज़ कीजिए, जो मैं आपको बताऊँगा वो 100% वर्किंग है ठीक है, आपको दिखाऊँगा विद प्रूफ के साथ ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये वाला आप यूज़ कीजिए। उसके बाद एक चीज़ और होती है, तो आप नीचे यहाँ पर आएंगे ऐप एनिमेशन स्पीड, तो इसे आप फास्ट कर दीजिए ठीक है, और ये डबल टैप टू लॉक ये आपको सबसे पहले यहाँ से बंद कर देना है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लांस फॉर रियलमी, ये ऑप्शन ज़्यादातर ऑन होता है तो इसे आप यहाँ से बंद कर दीजिए ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थीम्स और वॉलपेपर और आइकन इंस्टॉल, ये आपको हटा देनी है, बाय डिफ़ॉल्ट कर देनी है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया, तो मैं बैक जाऊँगा ठीक है। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा तो आप अपने इसी में से चूज़ कीजिए जो आपके रीसेंट में हैं ठीक है, इसमें ओपन दी थीम स्टोर पे मत जाइए ठीक है, केवल यही यूज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऑटो स्क्रीन, तो इसे आप 30 सेकेंड तक रखिए ठीक है, कम रखेंगे उतनी अच्छा है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटो ब्राइटनेस है, इसे आप इतना ही ऑटो ब्राइटनेस का मोड आप यूज़ कीजिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बैटरी सेवर वगैरह, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर कुछ नहीं करना है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो स्पीड इंटरनेट की स्पीड आपकी यहाँ शो होती है, ये आपको बंद कर देना है ठीक है। ध्यान रखना है मैं जो बताऊँगा वही आपको करना है, अगर आप ये छोड़ के चले जाएंगे वीडियो तो आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी ठीक है, तो आपको ये बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बैटरी का जो परसेंटेज है यहाँ वो शो हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है, उससे भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है। अब आइकन स्टेटस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बोल्ट्स वाला ऑप्शन ये ऑफ है, तो यहाँ से ऑन कर दीजिए इसे ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अब कुछ नहीं करना है, बैक चले आना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है कन्वेंस टूल, कन्वेंस टूल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर नेविगेशन जो है ठीक है, यहाँ पे आपको जो बटन लेआउट है ये वाला सिलेक्ट करके रखना है ठीक है, और यहाँ वर्चुअल बटन ठीक है, बैक जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, गेस्चर एंड मोशन को आप ऑन कर देते हैं, इसे आप बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है आपकी स्क्रीन पे फ़र्क पड़ता है, कॉल आएगी तब ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन आपको दिखाए हैं गेस्चर एंड मोशन में अंदर, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ठीक है, इन्हें आपको बंद कर देना है, केवल यही रखना है स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट, ये वाला बस। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन यदि ऑन है तो इसे आप बंद कर दीजिए ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट आपको चलना है नीचे आप ऐप मैनेजमेंट के अंदर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया ये लोडिंग होगी, वेट करना है आपको ठीक है। तो चलिए यहाँ वेट कर लेते हैं। मैं लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 2 डॉट्स पे सॉरी, सो सिस्टम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है कॉल मैनेजमेंट, कॉल मैनेजमेंट लिखेंगे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको कॉल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है,
इसे आप फोर्स स्टॉप कीजिए, स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करके इसका आप क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी डिलीट नहीं होता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन पे क्लिक करना है। ये तीन परमिशन आपको अलाउ करनी है, बेसिकली होती हैं, अलाउ कर दीजिए, नहीं है तो। उसके बाद मेन सेटिंग है मैनेज नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन ये इस तरीके से आपकी बंद होगी, लॉक वाली, इस तरीके से इसे आप ऑन कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नंबर वाला यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए चालू, ठीक है। और यहाँ पे सभी ये देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स वाला यहाँ पे ऑफ है, तो इसे आप ऑन करके रखिए, ठीक है। जैसे मैंने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है, उसके बाद आपको इस ऐप से बाहर निकलना है, ठीक है। फिर है दूसरे पे यहाँ क्लिक करेंगे, इसे भी सेम वही आप काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं क्लियर कैच कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑफ होगा, तो इसे आप ऑन करके रखिए। और यहाँ आप देख सकते हैं डॉट को आपको सिलेक्ट करना है, डू नॉट शो को नहीं, ठीक है। आप बैक जाएंगे आप इस तरीके से। अब इसमें आप परमिशन पे क्लिक करेंगे, बेसिकली परमिशन इसकी भी अलाउ होती हैं, अगर आपकी बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो ये अलाउ कर लेना होगा। अब यहाँ से आप थोड़ा बैक जाएंगे, अब इसे आप हटाएंगे, अब यहाँ डालेंगे फोन बाई, ठीक है, फोन डालेंगे केवल फोन। तो आपके सामने ये देखो एप्लीकेशन आ जाएगी फोन लेके, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए, स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करके इसका क्लियर कैच कर दीजिए, क्लियर डाटा यहाँ से आप कर दीजिए इसका, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉट्स का यहाँ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों आपकी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद परमिशन पे क्लिक करेंगे, सेम परमिशन सभी अलाउ होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सभी परमिशन आपको यहाँ पे दे देनी होगी ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आप बैक जाएंगे, मैं बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है, यहाँ करना है कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको अपना ऊपर वाला कॉन्टैक्ट वाला इस पर क्लिक करना है, इसे आप फोर्स स्टॉप कीजिए, स्टोरी यूज़ पे क्लिक कर क्लियर कैच कीजिए, क्लियर डाटा इसका मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप बिल्कुल बाहर चले आइए, ठीक है, जैसे मैं बाहर आ चुका हूँ, ये आपको करना है। उसका नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये करने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फोन बाई गूगल, इस तरीके से डालेंगे फोन बाई गूगल, ये एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगी, इसे आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है, इस एप्लीकेशन को। उसके बाद बैक जाएंगे। अब आपको एक काम और करना है, वो काम क्या है, आपको सिंपल से अपनी वॉल की सेटिंग में फिर से आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट पे फिर से जाना है। अब यहाँ वह डिफ़ॉल्ट वगैरह बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखा है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, तो यहाँ फालतू के एप्लीकेशन की आपको परमिशन नहीं देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऐप मैनेजमेंट पे फिर से जाएंगे, तो यहाँ पे अब आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, इन्हें आपको इस पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक आपको काम करना है, अब एडिशनल सेटिंग में जाना है, अब यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर पे क्लिक करना है और थर्ड पार्टी ऐप जैसे ये है तो एंड कर देंगे इसे, और यहाँ पे आपको ये तो सभी एंड कर देने होंगे और यह सेटिंग को एंड कर देना है, ठीक है। ये वापस भेज देगा बाहर, आपको फिर से एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे आपको फिर से प्रोसेस मैनेजर के अंदर जाना है और ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे इसमें तो फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको डेवलपर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिला है तो आप अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबर को 7 से 8 बार टैप करेंगे, आपको आपका ये हो जाएगा ऑन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये आपका ऑन है तो इसे आप बंद कीजिए। उसके बाद आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, इस तरीके स्क्रॉल नीचे की तरफ चलते जाएंगे, स्क्रॉल करते करते तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाईफाई स्कैन, ये आपका ऑन है तो इसे बंद कीजिए, ठीक है। मोबाइल डाटा कीप मोबाइल एक्टिवेट, हमेशा के लिए एक्टिवेट, तो इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग, तीन सेटिंग मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं एनिमेशन स्किल वाली, ठीक है। तो इन्हें आपको एक पे सिलेक्ट करना है, सबको एक पे, ठीक है, जैसे मैंने एक पे सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट वेथ, अगर आपका 4:64 है तब भी आपको 340 रखनी होगी, अगर 3:32 है तब भी आपको 3:40 रखनी होगी DPI वेथ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़, ये आपको यहाँ से बंद कर देना है और यहाँ पे ये इसकी स्टैंडर्ड लिमिट आपको कर लेनी होगी। इसके अंदर से आप कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से बैक चले आइए। बैक आने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो 1% नहीं 110% फिक्स हो गई होगी,
इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे कोई फालतू के एप्लीकेशन आप डाउनलोड मत करके रखिए। फालतू के एप्लीकेशन अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जैसे कोई गेम वगैरह जो हाईली गेम है, ठीक है, ज़्यादा MB का है, तो उसे आप वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो सेफ ब्राउजिंग आप ऐसे ही करेंगे और इसमें कोई भी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब कोई कॉल करेगा आपको। ठीक है, तो मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा। जय हिंद।